हेलो, जिसे दीक्षा नाम रे, वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। मीन्स यहाँ इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिक पॉलीनोमियल को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें 3 रिलेशनशिप दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट रिलेशनशिप दिया हुआ है, सम दिए हुए हैं, साथ ही साथ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट 2 टाइम ये भी दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जीरोज एंड कॉफिशियंट के बीच के रिलेशनशिप को। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होता है, सम ऑफ जीरोज यदि हम निकालते हैं, मीन्स सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और यहाँ इस क्वेश्चन में माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। आप समझ सकते हैं ये है जीरोस और ये क्या है, कॉफिशियंट है एक क्यूबिक पॉलीनोमियल की। हमें पता है क्यूबिक पॉलीनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी डी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंड कॉफिशेंट ए बी सी एंड डी हैं। तो ये जीरोस एंड कॉफिशेंट के बीच में रिलेशनशिप हो गया और क्वेश्चन में इसमें कितनी वैल्यू दी हुई है, 2 दिया हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट रिलेशनशिप की यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, एक बार में 2 जीरोस को लेना है और उनका प्रोडक्ट करके उनका सम कर देना है। ऐसे अल्फ़ा एंड बीटा ले लिया हमने, इनका प्रोडक्ट कर दिया, देन बीटा एंड गामा एंड अल्फ़ा इनका प्रोडक्ट, और सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए। और यहाँ इस क्वेश्चन में सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 7। अब लास्ट एक जो रिलेशनशिप और है हम उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए हमारे पास होता है। और इस क्वेश्चन में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है माइनस का 14। अब इन तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से ए बी सी एंड डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और इस इक्वेशन में रख देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो हम कितना मान लेंगे, 1। एज इट इज़ सेम यहाँ पर भी हम अपॉन में कितना मान सकते हैं, 1। एंड यहाँ पर भी हम कितना ले लेंगे, डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ ए इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। यहाँ भी एक इक्वल टू हमें मिल रहा है 1 एंड यहाँ से भी हमें कितना मिल गया है, 1। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमको सभी जगह 1 मिल गया है, इसलिए हमें एलशियम लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि अलग अलग डिजिट होती तो हम एलशियम ले लेते, फिर जो भी एलशियम आता वो किसकी वैल्यू हो जाती, ए की वैल्यू हो जाती। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए इक्वल टू हमें कितना मिल चुका है, ए इक्वल टू मिल चुका है 1। अब आप लोग यहाँ से यदि देखते हैं तो माइनस बी के इक्वल में कितना है, 2 लिखा हुआ है। मैं इस तरह से लिख देती हूँ, माइनस बी के इक्वल में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो बी की वैल्यू यदि हम निकालें तो माइनस इधर साइड आ जाएगा, तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे यदि हम आगे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, माइनस का 7। आप देख सकते हैं सी इक्वल टू कितना मिल गया हमें, माइनस का 7। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, आप देखें माइनस डी इक्वल टू कितना है, माइनस 14, यानी माइनस का डी इक्वल टू में कितना है, माइनस का 14। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। आप इस तरह से ध्यान रखें, या तो इस माइनस को यहाँ से भेज दें तो माइनस माइनस प्लस, तो डी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, डी की वैल्यू मिल गई है 14। ए एंड सी की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन नहीं लगाता है तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे माइनस के साइन थे बी एंड डी में, तो हमने इन साइन के साइड को चेंज कर दिया। ए बी सी डी की वैल्यूज जो हमें मिली है हम यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं, ए इक्वल टू हमें कितना मिल चुका है, 1। बी की वैल्यू हमें कितना मिली है, माइनस का 2। सी की वैल्यू है माइनस 7 एंड डी की वैल्यू है हमारे पास 14। हम इसको क्यूबिक पॉलीनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में रख देते हैं। क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए की जगह हम रखेंगे 1, एक्स क्यू एज इट इज सेम रहेगा, प्लस बी के प्लेस पर रखेंगे हम माइनस का 2, एक्स स्क्वायर एज इट इज सेम, प्लस सी के प्लेस पर माइनस का 7, एक्स
प्लस डी के प्लेस पे 14 हमारे पास आ जाएगा। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैसिटी सेम रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 14 इक्वल टू 0। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने जो रिलेशनशिप दिए हुए थे उनके हेल्प से एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल को फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और साथ ही साथ यदि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।